हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको गूगल लेंस के बारे में बताने जा रहे हैं कि वो कैसे काम करता है और आपको यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या उसमें प्राइवेसी है और नहीं है तो कैसे उसको टैकल करें और कैसे प्राइवेसी को यूज़ करें, क्या वो सिक्योर है, अगर सिक्योर नहीं है तो क्यों नहीं है और अगर सिक्योर नहीं है तो उसको कैसे कंट्रोल करें। सर्च अराउंड यू गूगल लेंस हेल्प यू टू डू होमवर्क इजली, और ये स्टूडेंट्स के लिए वेरी हेल्पफुल है कि वो अपने होमवर्क को इजली कर सकें। बस जस्ट आपको क्वेश्चन डालना है और वो आपके क्वेश्चन का आंसर देगा, लेकिन केयरफुल रहिए और प्राइवेसी को यूज़ करिए। कैसे यूज़ होता है, क्या है, आज हम सब कुछ आपको बताएंगे। गूगल लेंस इज अ सेट ऑफ विजन बेस्ड कंप्यूटिंग कंपैटिबिलिटी दैट कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर लुकिंग एट, यूज दैट इंफॉर्मेशन टू कॉपी और ट्रांसलेट टेक्स्ट। जो कुछ भी आप उस पर ढूंढते हैं वो उसको पढ़ता है और उसको ट्रांसलेट करता है टेक्स्ट में। आइडेंटिफाई प्लांट एंड एनिमल, आप किसी भी फ्लावर की फोटो अगर आप लेते हैं तो उससे रिलेटेड, या एनिमल की तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वो दे देता है। एक्सप्लोर लोकल और मीनूज, डिस्कवर प्रोडक्ट, आपके कोई प्रोडक्ट है उसके बारे में सारा कुछ बता देगा। फाइंड यूजुअली सिमिलर इमेजेस एंड टेक अदर यूजफुल एक्शन, और वो करता कैसे है, उसी तरह की इमेजेस को लेता है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन करता है और आपको रिजल्ट देता है। गूगल लेंस कैन डू इंक्लूड बीइंग एबल टू टेक अ पिक्चर ऑफ SSID स्टिकर्स ऑन द बैक ऑफ द वाईफाई राउटर। जनरली क्या होता है, आपके राउटर पे जो पासवर्ड लिखा होता है बहुत छोटा होता है, जो देखने में प्रॉब्लम होती है ओल्ड एज के लोगों को, तो वो SSID स्टिकर्स को रीड कर लेता है और फिर आपको ऑटोमेटिकली वाईफाई से कनेक्ट कर देता है, आपको ज़रूरत नहीं होती है उसको कनेक्ट करने की। गूगल लेंस विल रिकग्नाइज रेस्टोरेंट, क्लब, कैफे, बार टू, presenting you with a pop-up window show review, address detail, opening time, its ability to recognize everyday object that is impressive. अब वो आपका रेस्टोरेंट, क्लब, कैफे, बार सबको ढूंढ के उसके एड्रेस बता देगा, उसके बारे में बता देगा कि कब खुलता है, क्या होता है। इट विल रिकग्नाइज अ हैंड एंड सजेस्ट द थम्स अप इमोजी विच इज बिट ऑफ फन but point it as a drink and point it at a drink and it will try and figure out what it is. अगर आप कुछ गिलास में पानी भर के देते हैं उसको तो वो रिकग्नाइज कर लेता है उसको, लेकिन हमेशा ये सही नहीं होता है, वो डिफरेंट, या अल्कोहल आप डाल देते हैं तो डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स को वो के बारे में बता देता है, लेकिन सेम वाइट एल्कोहल के बारे में नहीं बता पाता है, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा उसका रिजल्ट सही ही हो। वॉट कैन गूगल लेंस डू, तो कर क्या क्या सकता है। असाइड फ्रॉम सिनेरियोज डिस्क्राइब अबव, गूगल लेंस ऑफर द फॉलोइंग फीचर। वो ऊपर जो हमने कुछ बताया उसके अलावा भी वो बहुत कुछ करता है, जैसे ट्रांसलेट करता है आपकी किसी भी लैंग्वेज को, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है जो गूगल ट्रांसलेट प्लगइन के थ्रू करता है। स्मार्ट टेक्स्ट सिलेक्शन करता है, यू कैन पॉइंट योर फोन कैमरा टेक्स्ट देन हाईलाइटिंग द टेक्स्ट विद इन गूगल लेंस एंड कॉपी टू यूज ऑन योर फोन। सो फॉर इंस्टेंस इमेजिन पॉइंटिंग योर फोन एट अ वाईफाई पासवर्ड and being able to copy paste it into the Wi-Fi login screen. तो जैसे कि आप Wi-Fi का SSID जो होता है वो स्कैन करके आप Wi-Fi के लॉगिन में डाल सकते हैं, उसी तरह जैसे आपके पास OTP आता है तो आप कॉपी करते हैं डालते हैं, सेम काम वो लेंस भी करता है। तो स्मार्ट टेक्स्ट सिलेक्शन करता है, स्मार्ट टेक्स्ट सर्च करता है, व्हेन यू हाईलाइट टेक्स्ट इन गूगल लेंस यू कैन ऑल्सो सर्च द टेक्स्ट विद गूगल। This is handy if you need to look up definition of word, for instance. अब आप किसी की डेफिनेशन ढूंढना चाह रहे हैं, किसी के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो वो गूगल लेंस के थ्रू ईजिली
कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। इफ यू सी अ ड्रेस यू लाइक वाइल शॉपिंग, गूगल लेंस कैन आइडेंटिफाई दैट पीस एंड सिमिलर आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग। दिस वर्क फॉर जस्ट अबाउट एनी आइटम यू कैन थिंक ऑफ असेसिंग शॉपिंग और रिव्यूइंग। अब अमेजोन पे आजकल एफिलिएट मार्केटिंग बहुत लोग करते हैं, तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है और उसकी फ़ोटो आपको मिल जाती है, तो उसको स्कैन करके आप उसके जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन देख सकते हैं और शॉपिंग ईजिली कर सकते हैं। यू कैन कंपेयर इवन द प्रोडक्ट व्हेन यू गेट द डिटेल इंफॉर्मेशन। गूगल होमवर्क क्वेश्चन, दैट राइट, यू कैन जस्ट स्कैन अ क्वेश्चन एंड सी व्हाट गूगल कम अप विद। अगर आप कोई भी क्वेश्चन जो आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो इसको गूगल लेंस के थ्रू आप रीड करिए और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करिए। स्कैन करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्च अराउंड यू, इफ यू पॉइंट योर कैमरा अराउंड यू, गूगल लेंस विल डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई योर सराउंडिंग। दैट माइट बी डिटेल ऑन लैंडमार्क, डिटेल अबाउट टाइप ऑफ फूड इंक्लूडिंग रेसिपी। तो आप अगर किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं लैंडमार्क को, तो उसका डिटेल दे देगा, और किसी रेसिपी या किसी और चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो वो दे देगा। विच डिवाइस ऑफर गूगल लेंस, गूगल लेंस को जनरली एंड्रॉयड और आईफोन और आईपैड पे यूज़ कर सकते हैं। हवाई को उन्होंने कुछ दिन के लिए बैन कर दिया था। और कौन कौन से डिवाइसेस कंपैटिबल हैं गूगल लेंस के साथ, उसमें से है LG, मोटोरोला, Xiaomi, सोनी, नोकियो, ट्रेंसियन, TCL, OnePlus, BQ एंड Ashworth, एज वेल एज गूगल पिक्सल ऑफ कोर्स। दैट ह्यूज स्टेप फॉर AI बेस्ड फीचर दैट रिकग्नाइज व्हाट यू आर लुकिंग एट, जिसमें गूगल पिक्सल जो होता था उसका AI बेस्ड फीचर को वो रिकग्नाइज करके आपको बताता कि आप क्या चीज़ देख रहे हैं। What are some way user can access a Google Lens? आप Google Lens को कैसे कैसे access कर सकते हैं? इसमें Google Photo है, Google Assistant on most Android phone and camera app on some Android phone. और camera app भी आपकी help करता है। Can Google Lens recognize face? The Google search image feature doesn't focus facial recognition. Instead, it uses reverse image search technology matching the whole image. Say for example, you upload into Google an image in which you are wearing a white shirt and using a laptop. Google might find a picture of people who look like you. वो face तो recognize नहीं करता है, लेकिन उससे मिलती जुलती image दे देता है। लेकिन does Google Lens have a API? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के थ्रू वो फेस को रिकॉग्नाइज कर सकता है। थ्रू द रेस्ट बेस्ड API कॉल्ड क्लाउड विजन API, गूगल शेयर इट रिवोल्यूशनरी विजन रिलेटेड टेक्नोलॉजी विद ऑल डेवलपर्स। बाई यूजिंग द API यू कैन एफर्टलेसली एड इम्प्रेसिव फीचर सच एज फेस डिटेक्शन, इमोशन डिटेक्शन एंड ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन टू योर एंड्रॉयड हैंड। तो API के थ्रू आप फेस डिटेक्शन, इमोशन डिटेक्शन, ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन कर सकते हैं। हमने इसमें से कई प्रोग्राम आपको बना के भी बताया, फेस डिटेक्शन वाला और भी बहुत सा, तो वो पाइथन में जाके आप देख सकते हैं। हमने कुछ प्रोग्राम्स API के फेस रिकग्निशन के बनाए हैं, वॉइस रिकग्निशन के, टेक्स्ट रिकग्निशन के। Where is a Google Lens in my phone? अब हमको कैसे पता लगे कि Google Lens हमारे फ़ोन में कहाँ पे है? On both Android and iOS, it's operate from inside the Google Photo app. Select any photo, tap the lens icon on compatible model. When you invoke in assistant, you will see the lens icon in lower right corner. Tap it to bring a lens to life for real-time search. तो आपके राइट हैंड साइड पे, लोअर राइट हैंड साइड पे कॉर्नर में गूगल लेंस होता है, जो आप किसी फोटो को जब क्लिक करते हैं, तो अगर आपका एंड्रॉयड उसके गूगल लेंस के लिए कंपैटिबल होता है, तो वो आपको राइट हैंड साइड में दिखाएगा। इस गूगल लेंस अ प्राइवेसी, गूगल लेंस फॉर इंस्टेंस स्टोर अ स्मॉल वर्जन ऑफ इमेजेस यू व्यूड टू योर अकाउंट।
The company said both the images and the audio can be deleted using Google privacy setting. आपके Google Lens में privacy setting होती है जिसके through आप Google Lens को control कर सकते हैं और use कर सकते हैं according to your requirement. And you can also delete your photo or voice through this control. How do I clear my Google Lens history? अब आपने क्या क्या देखा उसकी हिस्ट्री को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं टू फाइंड एंड डिलीट योर गूगल लेंस एक्टिविटी गो टू द लेंस पेज ऑन माय एक्टिविटी लर्न हाउ टू कंट्रोल व्हाट सेव इन योर गूगल अकाउंट और फिर माय एक्टिविटी में जाकर गूगल अकाउंट में जो भी आपने सेव किया उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं इफ़ यू डोंट वॉन्ट योर गूगल लेंस एक्टिविटी सेव टू योर गूगल अकाउंट टर्न ऑफ वेब एंड ऐप एक्टिविटी अगर आपको उसको सेव नहीं करना है तो आप वेब और ऐप एक्टिविटी को टर्न ऑफ कर दीजिए तो आपका जो भी गूगल लेंस से काम करिएगा वो सेव नहीं होगा और आप फ्रॉड से बचिएगा कैन आई डिलीट गूगल लेंस ऑन योर एंड्रॉयड फोन यू गो इनटू योर सेटिंग ऐप एंड क्लिक ऑन थ्री डॉट एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन चूज शो सिस्टम स्क्रोल डाउन टू द लेंस QLM क्यू लेंस और बोथ डिपेंडिंग ऑन योर फोन एंड देन क्लिक फोर्स स्टॉप एंड डिसेबल अगर आपको गूगल लेंस नहीं यूज़ करना है तो आप फोर्स स्टॉप एंड डिसेबल यूज़ कर सकते हैं और फालतू के शॉर्ट से बच सकते हैं बहुत सी क्यूरीज इस पर आई थी मेरे पास हाउ डू आई यूज़ गूगल लेंस ऑन माई लैपटॉप हाउ डू आई यूज़ गूगल लेंस इन क्रोम कैन गूगल लेंस रीड QR कोड Can Google Lens create contact? How to use Lens in Google Photo to create contact from business card? How do I use Google Lens for photos? Does Google Lens save history? Can I use Google Lens without downloading? Does Google Lens cost money? क्या Google Lens आप use करते तो money लगती है? Can Google Lens convert image text? Can Google Lens read PDF? Can I use Google Lens online? What does the blue dot means on Google Lens? Does Google Lens work on a screenshot? How do I convert a screenshot to text? और इसके अलावा भी बहुत कुछ है Google Lens में अब आप जिस टॉपिक पे इतने ढेर सारी क्यूरीज जो हमने लिख रखी है किसी एक टॉपिक पे अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और जब आप मेरा वीडियो देखेगा तभी तो क्वेश्चन करिएगा और प्लीज़ मेरे अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल को दबाइए एंड प्लीज़ मेरे ऑल सोशल मीडिया लिंक को फॉलो करिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कम्युनिटी पे जाइए और जो वीडियो आपको पसंद आए उस पर कमेंट करिए और अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए थैंक यू This is all today, viewers. Thank you.